आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्ती हम अच्छे से निभाएंगे। नया साल मुबारक तुम तेरिए, हैप्पी न्यू ईयर दगड़िया, हैप्पी न्यू ईयर हो। नया साल मुबारक तुम तेरिए, हैप्पी न्यू ईयर दगड़िया, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल मुबारक तुम तेरिए, हैप्पी न्यू ईयर दगड़िया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर दगड़िया, हैप्पी न्यू ईयर। साल विदा है गई, कुछ खट्टी कुछ मीठी याद छोड़ गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 सभी की जिंदगी में खुशहाली लाए, माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो सुबह से वो ही रहता है ना मतलब कुछ फेस्टिवल होता है या फिर मतलब कुछ भी होता है तो हाउस वाइफ की तो हालत खराब हो जाती है। सुबह से झाड़ू पोछा, बच्चों को नहलाना, ये वो सब कुछ करना। फिर मुझे अभी 9 बजा है, तब मैंने नहा के पूजा करी है और अब बनाऊंगी खाना। पूजा के लिए मैंने 5 पूरी बनाई थी, अब सबके लिए फिर बनाऊंगी। तो यही है, हमने सोचा था कि आज ना थोड़ा सा कहीं जाएंगे। कल हम लोग कहीं नहीं गए थे, बट इतना ज़्यादा कोहरा है कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है जाने का। तो फिर देखेंगे कभी अगर जाना ही होगा तो, बट आज तो हिम्मत ही नहीं हो रही, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो वही है, इनको फटाफट से मैं खाना दे देती हूँ, मैं भी खाऊंगी, भूख भी लग रही है। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये बनाए हैं मैंने आलू, खीर, पूरी, बस ये 3 चीजें बनाई। कट्टी कुछ मीठी याद छोड़ी गई, अपनों का संग करिया खुशी तैशी, हैप्पी न्यू ईयर दगड़े। इनको दे दिया है नाश्ता, अब 2 पूरी अपने लिए डालती हूँ और मैं खाऊंगी। फिर मिलती हूँ आपको, देखती हूँ क्या होता है दिन भर का। अभी है शाम का टाइम और हम लोग आए हैं घूमने। आजकल मैं और दीदी 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं, मोटापा ज़्यादा बढ़ गया, इतना कोहरा हो रहा है चारों तरफ। सब लोग हमसे कह रहे इतने ठंडे में क्यों घूम रहे हो, क्यों घूम रहे बाय। हाय, आ गए हैं। सब्जी नहीं थी घर में तो थोड़ा सा सब्जी ले जाऊंगी, थोड़ा दीदी भी ले जाएगी मेरे साथ मेरे सब्जी मंडी से। और यही दीदी बोलती है जब थैला लेके आती हूँ तो सब्जी मंडी जा रही है, यही वाली दीदी बोलती है। ये धनिया, धनिया ना जितना काटो उतना अच्छा होता है। थोड़ा मेरे लिए भी काटेगी, थोड़ा अपना भी ले जाएगी। देख कितना अच्छा हो रहा है धनिया ना। ये मेरी दरानी है, बहुत मेहनत करते है बेचारी। मजाक करना चाहिए, सच्ची होना चाहिए। सच्ची कह रही हूँ मैं, अच्छे ऐसे दरानी भी होने चाहिए, सब्जी खिलाने वाले दरानी। सब्जी खिलाने वाले दरानी। ये है प्याज, मूली आजकल अच्छी हो गई हमारी। इन्हन का ना दुख रहा से कुना सी कि इस बार हमारी मूली नहीं हुई, इस बार मूली नहीं हुई। बल बल का देखा, पोलिया अच्छी अच्छी मूली दिखा। हाँ। जिसको पोलियो हुआ है वो वाली मूली क्यों दिखा, जिसको पोलियो या का बुखार आ रही शायद स्वस्थ कुछ। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल बिल्कुल मोटाबल, लाल भी ले रहा हूँ। ये क्या बीमारी ना रही ना, बिल्कुल स्वस्थ हुई है। इसको कुछ बीमारी नहीं हो रही, किसी को बुखार आ रखा है, किसी को पोलियो। जी धोखे ला गई हूँ मैं और
मुझे ना ये सब्जी देख के मेरा पेट ऐसे ही भर जाता है। जब हम लोग कुछ मेहनत करते हैं और फिर उसका फल मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे हम लोग आजकल ये वाली सब्जी ना डेली बनाती हूँ, हस्बैंड को बहुत पसंद है। चाहे कुछ भी सब्जी तो थोड़ा सा इसका भुजिया टाइप का मैं बना लेती हूँ। और ये तो प्याज की पत्तियां तो मेरी फेवरेट है, और मूली इतनी अच्छी हो रही है फ्रेश फ्रेश। और इसकी सब्जी मेरी फेवरेट है, सौम्य छोटू को भी इतनी अच्छी लगती है ना, आराम से रोटी खा लेते हैं, कहते हैं मम्मा सब्जी बहुत टेस्टी हो रही है। तो ये ज्यादा सब्जी तो हम लोग लगाते नहीं है, बस हरी सब्जी, ये प्याज की पत्तियां, धनिया, मेथी, मूली, पालक इतना लगाते हैं, और इतने में ही खुशी मिलती है। और लगभग 2 महीने हम इतने अच्छे से खाते हैं घर की सब्जी, और लगाने का मन तो बहुत कुछ करता है, बट क्या होता है ना, मेहनत भी बहुत है और इतना टाइम भी नहीं हो पाता है। हस्बैंड सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, बस जिस दिन उनकी छुट्टी होती है और सुबह शाम थोड़ा सा मुझे जब भी मुझे टाइम लगता है तो हम लोग करते हैं। बट पूछती हूँ इनसे ये वाली सब्जी बनाओ या ये वाली बनाओ, तो आज एक ही सब्जी बनाऊंगी क्योंकि सुबह आज बहुत हैवी खाना हो गया था और दिन में भी फिर चावल खाया तो उस वजह से बहुत ज्यादा हैवी खाना हो गया। तो इनसे पूछती हूँ फिर उसके बाद बनाऊंगी। कल 31st के दिन ना हमने केक कट नहीं किया था क्योंकि हमने सोचा था आज कहीं बाहर जाएंगे वहीं केक कट करेंगे, बट इतना कोहरा था कहीं जा नहीं पाए, तो इसलिए अभी हम लोग केक कट करेंगे आज 1 तारीख के दिन। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। शीनी ए क्यूब के इसका क्यूब हो गया, क्या हो गया यार? हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल हो खुशियों भरा और ढेर सारे मजे करेंगे हम, दोस्ती और प्यार होगा एक जगह और ढेर सारे मजे करेंगे हम, ये दोस्ती हम अच्छे से निभाएंगे और ना छोड़ेंगे एक दूसरे का साथ। वेरी गुड। चलो स्वामी यार बेटा नौटंकी मत कर, जाओ केक कट करो, ऊपर को जाओ जाओ। ये एक स्पीच बोल रहा हूँ कि ये कोहली फैमिली के लिए बहुत अच्छा अच्छा साल जाएगा और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इस ये साल बहुत अच्छा है ये कोहली फैमिली के नाम। इसको क्या हो गया? चम्मच लाए। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं।